प्राइवेट विद्यालय के संचालकगण, शिक्षकगण, भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष माननीय राजेश कृष्ण बिरला जी, पूर्व महापौर श्री महेश जी विजय साहब, महेश गुप्ता जी, कुलदीप माथुर जी, कुंज बिहारी गौतम जी, संजय शर्मा जी, आनंद राठी जी, पंकज जी, सत्य प्रकाश जी और सभी मंच में विराजे अतिथिगण, विद्यालय के सभी संचालक मान शिक्षकगण, जिन्होंने इस कोटा और हाड़ौती के अंदर, शहर गांव के अंदर शिक्षा का अलग जगाकर एक पुनीत कार्य किया है, मैं सबको, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये बात सही है कि कोटा एक शैक्षणिक नगरी के रूप में, एक कोचिंग के रूप में पूरे देश के अंदर उसकी एक अलग पहचान है। कोटा ही नहीं, विश्व के कई देशों के अंदर जो हमारे नजदीक के देश हैं, जहां भारतीय मूल के प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां भी कोटा का शैक्षणिक नगरी के रूप में, काशी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। और विशेष रूप से आप सब इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सबने उस दूर दराज इलाके के अंदर, उस दुर्गम इलाके के अंदर जहां सरकारी विद्यालय नहीं है, वहां आपने विद्यालय संचालक कर समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, संस्कार और उसका व्यक्तित्व निर्माण के लिए आपका योगदान विशेष रूप से है। और इसीलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम शिक्षा नगरी के इस शहर के अंदर किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, उत्तम शिक्षा, अच्छे संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से एक बच्चे को शिक्षा तो दे सही, शिक्षा के साथ उसका व्यक्तित्व निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण के साथ बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नई आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उस आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ हमारी समृद्ध विरासत, हमारी समृद्ध संस्कृति को एक किस तरीके से आगे बढ़ाएं, यह हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए एक अध्यापक के रूप में भी, एक संचालक के रूप में भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक बालक के अंदर जो माता पिता के बाद जिसकी जिंदगी को बेहतर बनाना, उसका सर्वांगीण विकास करना, जिस तरीके से एक मूर्तिकार अपने एक हाथ के अंदर वो मिट्टी होती है, दूसरे हाथ में
उस मिट्टी के आधार पर वह बहु प्रतिमा बनाने का काम करता है। आपका भी इसी तरीके का दायित्व होता है। माँ बाप पैदा करते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको शिक्षित दीक्षित संस्कारित कर एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाना, ये आप पर बहुत महती जिम्मेदारी हो जाती है। और इसीलिए हमारे राजाओं के राज में भी हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, उस गुरुकुल पद्धति के अंदर सबको समानता, समानता के साथ शिक्षा, और गुरुकुल के अंदर राजाओं के बेटे भी और गरीब का बेटा भी एक साथ समान शिक्षा प्राप्त करता था। केवल वहां शिक्षा नहीं मिलती थी, परिवार उस शिक्षक को समर्पित कर देते थे और इस अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ यहां गुरुकुल से निकला हुआ विद्यार्थी जब अपने जीवन की जिंदगी की शुरुआत करेगा तो उसके जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, जो एक शिक्षक के अंदर होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ गुण और संस्कार वह अपने सारे के सारे प्रयासों से उस शिक्षक को देने का काम करता है। जिस तरीके से एक शिक्षक और चिकित्सक दो हमारे यहां पर हमेशा उनका यथोचित सम्मान रहा है, क्योंकि शिक्षक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, आगे जीवन जीने की राह बताते हैं और किस तरीके से प्राप्त संस्कार संस्कृति और शिक्षा से उसकी कौशलता से वह अपनी जिंदगी को जीने की राह बताता है, उसी तरीके से एक चिकित्सक भी ये प्रयास करता है कि जो कुछ भी मरीज मेरे पास आया है, मेरे पास जितनी भी शिक्षा है, जितना भी रिसर्च है, जितना भी शोध है, जितना भी मुझे समझा है पढ़ा है, वो उसी तरीके से अपना सब कुछ समर्पण उस मरीज पे करता है, उसी तरीके से एक शिक्षक भी अपना सब कुछ समर्पण उस पे कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि दूर दराज इलाके के अंदर जब न रोड हुआ करता था, न पीने का पानी हुआ करता था, न ठहरने की व्यवस्था होती थी, उस दुर्गम इलाके के अंदर भी शिक्षक अपने परिवार को छोड़कर अपना सारा जीवन उन बालकों में समर्पित कर देता था जिसमें वो अपना भविष्य देखता था। और विद्यार्थी भी उसी समर्पित समर्पण के साथ उनका आदर सत्कार करता था, क्योंकि आप शिक्षक के साथ आप संचालक भी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि जिस विद्यालय को आप संचालित कर रहे हैं वहां के शिक्षक किस मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। जितना आपका सर्वश्रेष्ठ संस्कार होगा, संस्कृति होगी, जितना आपका कौशल होगा, जितना आधुनिक ज्ञान के साथ हमारी विरासत, उसका सामूहिकता के साथ मिलकर हम हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक को किस तरीके से उसके मनोभाव को तैयार करते हैं, जैसा संचालक का मनोभाव रहेगा, जितना उसका समर्पण रहेगा, उतना ही शिक्षक उसी समर्पित भाव से काम करने का कोशिश करेगा। इसलिए ये धरती हमेशा शिक्षा और संस्कार की धरती रही है, और इसीलिए एक शिक्षक चाणक्य केवल राज नहीं, सत्ताओं का परिवर्तन करने का काम करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के माध्यम से दुनिया के लोगों को, नौजवानों को
एक संस्कारी शिक्षा दी, कैसा नौजवान होना चाहिए, उसमें क्या आत्मविश्वास होना चाहिए और कठिन परिश्रम करने की क्षमता होना चाहिए, ऐसी एक लंबी श्रृंखला है। अभी हमने एक शिक्षक के रूप में जिन्होंने अपने सारे जीवन को समर्पित किया, चाहे वो उपराष्ट्रपति रहे राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनका शिक्षक कभी नहीं गया। जिस तरीके से अब्दुल कलाम आजाद जी से पूछा गया कि आप राष्ट्रपति रहने के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं शिक्षक रहूंगा, शिक्षक मेरे जीवन का हिस्सा है। और इसीलिए हम सबको, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, इन सब ने कहीं न कहीं अपने सारे जीवन को एक शिक्षक के रूप में समाज को समर्पित किया और उनकी प्रेरणा हम सबको आज दिशा देती है। शिक्षक सम्मान समारोह के अंदर एक बड़ी संख्या में सामूहिकता के साथ सब लोग आए और सामूहिकता के साथ आए, इस संकल्प के साथ आए, इस विचार के साथ आए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ पीढ़ी बनाएंगे। और आज हमारे इन्हीं प्रयासों के कारण आज दुनिया के अंदर हमारा नौजवान बौद्धिक क्षमता से उसकी क्षमता अधिक है, उसका ज्ञान कौशल, उसकी तकनीकी शिक्षा के कारण आज भारत के नौजवान केवल देश में नहीं विश्व के कई देशों के अंदर, उस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विकास में भी भारत के नौजवानों का योगदान है। और ये हमारी ताकत और सामर्थ्य शक्ति है। आज दुनिया भौतिक संसाधनों से हमसे विकसित हो सकती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो आध्यात्मिक संस्कृति और संस्कार के रूप में भारत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे यहां शिक्षक का, चिकित्सक का, प्रकृति के साथ हमारा संबंध, हमारा सूर्य के संबंध, पानी के संबंध, हमारा हर चीज में हमारा आध्यात्मिक समर्पण है। और इस आध्यात्मिक समर्पण के कारण जिस चीज की दुनिया आज चिंता कर रही है, पर्यावरण की, हम हमेशा प्रकृति के पूजक रहे हैं, हम सर्व सूर्य के पूजक रहे हैं, हम पानी के पूजक रहे हैं। ये हमारी संस्कृति संस्कार इसलिए रहे कि जब कोई आध्यात्मिक रूप से किसी के प्रति समर्पण पूजा पद्धति पर रहेगा तो उसको उतना ही संरक्षण करने का काम करेगा। और इसीलिए आज हमने इस सारी प्राचीन पद्धतियों के कारण आज दुनिया के अंदर हमारा स्थान बनता जा रहा है। आज हम जब हमारी प्राचीन पद्धति योग और आयुर्वेद की जब चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद और योग हमारी प्राचीनतम पद्धति रही। एक समय आया कि हम भौतिक संसाधनों में, भौतिक युग के अंदर हम भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और संस्कारों को विलुप्त करने लगे थे, लेकिन समय परिवर्तन आया। दुनिया के अंदर आज भी 200 से ज्यादा देश के अंदर योग आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान है। मैं तो दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में गया और उस विकसित देशों ने भी यह माना कि योग हमारे स्वस्थ रखने की सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, आयुर्वेद आज भी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। और इसीलिए हमें इन्हीं चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए कि हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जब उस समय दुनिया के अंदर विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, जब शिक्षा का अलग हमने जमाया, हमारे जितने भी महात्मा संत, जितने भी धर्म गुरु हैं,
उन धर्म गुरुओं ने भी शिक्षा को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माना और किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में आज भी और प्राचीनतम समय भी शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उस देश ने प्रगति की है जहां जल्दी शिक्षा पहुंचिए और शिक्षा के नजदीक लोग पहुंचे। ये बात सही है कि आजादी के समय हमारी साक्षरता दर 18% हुआ करती थी, आज हमारी साक्षरता दर 80% पहुंची है। लेकिन उस समय भी जब 18% थी तब भी हमारी शिक्षा पद्धति दुनिया से सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी और आज भी हमें गर्व है कि हमारी शिक्षा पद्धति दुनिया से सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता दुनिया के नौजवानों से ज्यादा अद्भुत क्षमता है। हमारे नौजवानों को आध्यात्मिक ज्ञान के कारण मानसिक रूप से तनाव कम है क्योंकि शिक्षा के साथ आध्यात्मिक होने के कारण हम कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक ज्ञान के कारण जो तनाव अवसाद दुनिया के नौजवानों में हो रहा है वो भारत के नौजवानों में उसकी अपेक्षा उसकी तुलना में कम है। अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम सब स्कूल के संचालक हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा यह होनी चाहिए कि मेरा विद्यालय शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बने। बदलते परिप्रेक्ष्य के युग के अंदर आधुनिक और टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी हम दें और हमारी विरासत समृद्ध परंपराओं को भी कायम रखें। दोनों का मिलकर अगर हम शिक्षा पद्धति को चलाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि हमारे इन्हीं निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालयों से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी निकलेगा और दुनिया में नेतृत्व करेगा। इसलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में एक समय आया था जब शिक्षा का किताबी ज्ञान बहुत अधिक प्रभावी होने लगा था और माता पिता भी कहीं न कहीं बच्चों पर एक दबाव बनाकर रखते थे कि मुझे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है। उस किताबी ज्ञान से निकलकर नई शिक्षा पद्धति के अंदर जहां किताब से मानसिक को डेवलप करने का एक ज्ञान है लेकिन उसके साथ उसके कौशल के साथ उसका खेलकूद उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना इन सब के साथ संस्कृति और संस्कार देना इन नई शिक्षा पद्धति में भी कहीं न कहीं इसको विषम किया है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे यहां पर गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ने आता है और अमीर से अमीर का बच्चा भी पढ़ने आता है। हमारे एक शिक्षा में समानता हो, हर पढ़ने वाला चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो वह ये मानकर चले कि मैं सबकी समानता समता मूलक शिक्षा पद्धति तो होनी चाहिए लेकिन उसका व्यवहार आचरण भी हमारा शिक्षक का उस दृष्टिकोण का होना चाहिए कि मेरे लिए तो एक शिक्षक के रूप में एक विद्यार्थी समान है और मुझे तो उस समानता के साथ हर विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनाना है। इस संकल्प के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है और मुझे आप लोगों का भरोसा है, मेरी हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के विद्यालय सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हो, देश में हो, विश्व के अंदर हो, दुनिया देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर लोग चाहे दूर दराज के प्रदेश में जिस तरीके से कोचिंग करने के लिए कोटा में लाखों विद्यार्थी आते हैं उसी तरीके से स्कूल के अंदर भी प्रवेश करने के लिए प्रदेश के और जगह के विद्यार्थी आए, ये हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे पास संसाधन कम है लेकिन कम संसाधन के बाद भी हमारा सर्वश्रेष्ठ
शिक्षक, समर्पित भाव से शिक्षा देने वाला शिक्षक हमारे पास है। इसलिए हमारे विद्यालयों के संचालकों मंडल की इस बात की जिम्मेदारी है कि हमारे वाले पढ़ाने वाले शिक्षक को हम किस तरीके की दिशा देते हैं, किस तरीके का दृष्टिकोण देते हैं। अगर हमने सही दृष्टिकोण, सही दिशा की ओर दिया तो मेरा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों के नौजवान यहां कोचिंग कराने आएंगे तो वहां स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी कोटा में आएंगे और कोटा विद्यार्थियों के विद्यालय शिक्षक के रूप में, शिक्षा के रूप में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इसलिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, हमारी शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े, उसकी मानसिक विलक्षण क्षमता बने, वही टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करे और जो उसका लक्ष्य और संकल्प है, अगर बाल्यकाल से ही बच्चे को हम पहचानने लग जाएं कि उसका संकल्प, उसकी दिशा क्या है, क्या उसकी जीवन का लक्ष्य है, उस तरीके की शिक्षा अगर हम देने लगे तो मुझे आशा है कि उसका भविष्य और अच्छा होगा। कई बार जब कई बच्चे मुझे मिलते हैं तो कई बार वह आईएएस का, कभी आरएएस का, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी आईआईटी, ये दृष्टिकोण हम बाल्यकाल से ही बच्चे के दिल और दिमाग पर डाले कि वो आखिर बनना क्या चाहता है, उसकी दिशा क्या है। जैसे मैं मेरा उदाहरण दूं कि मैं साइंस का विद्यार्थी था लेकिन मुझे राजनीति क्षेत्र में काम करना था और राजनीति क्षेत्र में काम करने के कारण कोटा में दो कॉलेज थे, एक कॉमर्स कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज। तो दोनों कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े नेता थे, एक लंबी सूची थी, और कॉमर्स कॉलेज में कम नेता थे। तो मैंने अपने विज्ञान के क्षेत्र को कॉमर्स में पलट लिया और कॉमर्स पढ़ने लग गया, क्योंकि मेरी लक्ष्य तय था कि मैं यहां कॉलेज विद्यार्थी छात्र संघ के रूप में अपना काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत करूंगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, मैं 5 साल इंतजार नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग का लक्ष्य तय था। तो कई बार बच्चे कहते हैं मैं आईएएस का एग्जाम 2 साल 3 साल के बाद करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि वह बाल्यकाल से अगर उसको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो उस दिशा के अंदर उसका काम हो। और हमें इसीलिए हमने संसद की समझ एक अभियान चलाया। मैं चाहूंगा कि हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा से शुरुआत की। समझ संसद के मतलब वह लोकतंत्र, और लोकतंत्र के पहले हमारे लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए, आजादी के लिए किस दृष्टिकोण के, किस सोच के, किस समर्पण, किस निष्ठा का नौजवान था जिसने अपनी जवानी कुर्बानी देकर देश की आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश बनाने में जिनका योगदान था। जब हम उसका कंपटीशन कराएंगे तो वह हमारी विरासत को भी जानेगा, हमारे आधुनिक लोकतंत्र को भी जानेगा और उसके साथ उसके ज्ञान विज्ञान के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन से शुरू से होगा। और वह जितना मैं कहता हूं कि उसको देश और दुनिया की सारी जानकारी बाल्यकाल से होने लगे तो मुझे शायद में उसकी विलक्षण क्षमता बनेगी। और इसीलिए पूरे कोटा बूंदी के सभी स्कूलों के अंदर इन विद्यार्थियों को हम एक कंपटीशन आयोजित करने जा रहे हैं, उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। उसको हम दिसंबर के अंदर शुरू करेंगे और दिसंबर के अंदर पहले प्रारंभिक रूप से ये एक एक स्कूल के अंदर कुछ कुछ बच्चे उसमें से प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे। उसके बाद जब एक एग्जाम और होगा और उसके बाद उन सभी बच्चों को हम
दिल्ली के अंदर लोकतंत्र की यात्रा और संसद और दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक स्थान दिखाएंगे ताकि वो देख सके कि भारत की आजादी के लिए किस तरीके का संघर्ष हुआ था और आजादी के बाद किस तरीके से भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ और उसमें किस तरीके से हमारे सामाजिक राजनीतिक नेताओं का योगदान रहा। और इसी के साथ साथ वो उस कंपटीशन के अंदर जितने भी महापुरुष हैं उन महापुरुषों की जीवनी हर व्यक्ति को नई प्रेरणा देती, हर व्यक्ति को जितने भी महापुरुषों को वो पढ़ेगा उतनी उसको प्रेरणा मिलेगी, उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दुनिया के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व कर रही है। क्यों नेतृत्व कर रही है? इस 75 साल की यात्रा में हमने देखा कि एक समय था जब सरकारी और निजी क्षेत्र के अंदर महिलाएं बहुत कम रोजगार के लिए जाती थी। आज कोई सेक्टर देख लो आप, जिस सेक्टर के अंदर चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईटीएन हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईएएस हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, फाइटर प्लेन चलाने वाली पायलट हो, ये सब में महिलाएं आगे इसलिए बढ़ी कि हमने एक समय हमारे महापुरुषों ने महिला शिक्षा पर जोर दिया और बदलते परिप्रेक्ष्य में सामाजिक और धार्मिक नेताओं ने कहा कि महिलाएं पढ़ेगी तो एक पीढ़ी पढ़ेगी, इसकी युग की शुरुआत की। और आप देख रहे होंगे कि आज भी आपकी शिक्षक के रूप में महिलाओं की संख्या बहुत है, क्योंकि महिला में समर्पण होता है, एक संवेदना होती है, वो अपने बच्चे को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है, एक शिक्षक के रूप में वो कोशिश रहती कि मेरे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे सर्वश्रेष्ठ हो। और हर शिक्षक के मन में एक भावना जरूर रहती है कि मेरा पढ़ाने वाला बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ हो, ये प्रतिस्पर्धा एक शिक्षक में होना ही चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा ही शिक्षक को और अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करती है और ये सम्मान समारोह इसीलिए हम आयोजित करते हैं ताकि हर शिक्षक के अंदर प्रतिस्पर्धा हो। मैं तो ये कहूंगा कि निजी विद्यालयों के अंदर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है उन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को हर साल हम सम्मान दें और उनके किए गए कार्यों की सारी चर्चा हो कि किस तरीके से उन्होंने एक निजी विद्यालय में रहकर उन कठिन परिस्थितियों के बाद भी किस तरीके से अपना सारा समर्पण और सेवा के माध्यम से एक अच्छे शिक्षक बना और वहां का विद्यार्थी भी उस शिक्षक का सम्मान करे। आप भी कई बार देखते होंगे जब विद्यार्थी की क्लास में जब शिक्षक जाता है उसके सम्मान का पता उसी तरीके से लग जाता है कि वो इंतजार करता है कि वो शिक्षक आएगा, उसकी क्लास में मुझे जाना है। ये सम्मान एक शिक्षक का बना रहे और इसके लिए विशेष रूप से आप निजी विद्यालय के संचालकों, आप बहुत बड़ा आपने पुनीत कार्य किया है। जहां दूर दराज अविकसित इलाके, कच्ची बस्तियों के अंदर जहां शिक्षा के केंद्र नहीं होते थे, आपने वहां विद्यालय खोलकर एक जो पुनीत कार्य किया है उसको और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी अगर आप लो तो और एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोटा में हम एक योजना बनाएं कि कोटा के अंदर 100% सभी बुजुर्ग से लेकर सभी लोग साक्षर बने। और इसके लिए हमारा संकल्प केवल एक साल तक हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम हर इलाके के अंदर, हर वार्ड के अंदर एक एक बस्ती, एक एक इलाका गोद लेकर हम वहां पर अपने स्कूल के अंदर शाम के समय विद्यालय चलाएं और कोटा के अंदर एक कह सकें कि यहां पर चाहे 80 साल का व्यक्ति हो, चाहे 90 साल का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति शिक्षित है। और हम सर्वे कर वह अगर पढ़ना नहीं चाहता तो भी आग्रह पूर्वक हम उसको शिक्षा देने का काम करें, पहले शहर में करें फिर गांव में करें। तो एक कोटा बूंदी इस बात में भी एक स्थापित हो सकता है कि कोटा के अंदर 100% चाहे बुजुर्ग हो,
वह भी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। और इसी तरीके से दूसरा हमारा अभियान है कि इस दो साल के अंदर कोटा बूंदी कुपोषण से मुक्त होगा और यहां की हर महिला को एक पौष्टिक पोषण मिलेगा, ताकि मां भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। इसके लिए भी आपका सहयोग की आवश्यकता है कि आपकी आंखें जहां कहीं भी जब भी देखे, इस महिला की आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन इस महिला को एक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, हमें जानकारी दें तो हम उसके घर तक पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि एक महिला एक बच्चे को जननी को जो जन्म दे रही है वह स्वस्थ रहे, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। इन सारे कामों को हमें सामूहिकता के साथ मिलकर काम करना है। हमारा दायित्व शिक्षा के साथ समाज के अंदर बदलना, समाज के अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बेहतरीन करना भी एक विद्यालय के संचालक और शिक्षक के रूप में आपकी हमारी जिम्मेदारी। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे और एक सर्वश्रेष्ठ मानक, सबसे अच्छे मानक हर क्षेत्र में स्थापित करेंगे। यही आपसे निवेदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।